बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टू क्लास, अपनी मैथ्स की बुक ओपन करें। स्टूडेंट्स, हमारे यूनिट नंबर वन का नाम है होल नंबर्स। आप पेज नंबर टू ओपन करें, इसके ऊपर देखें ऑर्डिनल नंबर्स। क्या टॉपिक है आपका आज का? ऑर्डिनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, सिंपल काउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। लेकिन जब हम ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं तो हम 1 के साथ जब ST लगाएंगे तो उसे हम फर्स्ट बोलेंगे, जो कि ऑर्डिनल नंबर्स के मुताबिक होगा। नेक्स्ट देखें, सेकंड, 2 के साथ ND लगाया तो क्या बन गया? सेकंड। नेक्स्ट देखें, 3 के साथ RD लगाया गया है जिसे हम थर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्ड। अब नेक्स्ट देखें, 4 के साथ TH लगाया गया है जिसे हम फोर्थ बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखें, 5 के साथ TH लगाया गया है जिसे हम फिफ्थ बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखें, 6 के साथ TH लगाया गया है जिसे हम सिक्स्थ बोलेंगे। नेक्स्ट, 7 के साथ TH लगाया गया है जिसे हम सेवन्थ बोलेंगे। 8 के साथ TH लगाया गया है इसे हम एट्थ बोलेंगे। 9 के साथ TH लगा के हम इसे नाइन्थ बोलेंगे। 10 के साथ जब हम TH लिखेंगे तो उसे हम टेंथ बोलेंगे। यहाँ पे 11 के साथ TH लिखा गया है इसे हम इलेवंथ बोलेंगे। 12 के साथ TH लिखा गया है इसे हम ट्वेल्थ बोलेंगे। नेक्स्ट, 13 के साथ TH लिखा गया है इसे हम थर्टीनथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्टीनथ। नेक्स्ट देखें, 14 के साथ TH लिखा हुआ है इसे हम फोर्टीनथ बोलेंगे। नेक्स्ट देखें, 15 के साथ TH लिखा हुआ है इसे हम फिफ्टीनथ बोलेंगे। नेक्स्ट, 16 है, हम इसे सिक्सटीनथ बोलेंगे। 17 के साथ TH लिखा गया है इसे हम सेवनटीनथ बोलेंगे। नेक्स्ट, 18 के साथ TH लिखा गया है इसे हम एटीनथ बोलेंगे। नेक्स्ट है 19, इसके साथ जब TH लगाएंगे हम तो इसे नाइनटीनथ बोलेंगे। और लास्ट पे जब हम 20 के साथ TH लगाएंगे तो इसे 20th बोलेंगे। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे ऑर्डिनल नंबर्स 1 to 20। ये आपने याद भी करने हैं और अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखने भी है। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी लिखा हुआ है उन्हें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है वो ज़रूर लिखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।